हेलो एवरीवन, साले शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं सेल्फ चैलेंज, जिसमें कि होल नाइट स्टडी है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है टाइमिंग 9 o'clock हो रहा है। तो उसके बाद अब हमको क्या करना है कि 12 आवर्स की स्टडी चैलेंज लेना है। कल सुबह 9 बजे तक हमको कंटिन्यू स्टडी करना है और हम इसको पूरे आपको इस स्टडी को दिखाएंगे ब्लॉग के रूप में। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि देखिए, पूरी वीडियो रात भर की रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाएगी। आपको हम क्लिप क्लिप करके रिकॉर्ड करके दिखाएंगे कि देखिए हमने पूरी अपनी जो चैलेंज है वो कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हम यहाँ व्यवस्था कर लिया है बैठने का। देख रहे हैं, शूज़ तो नहीं लेकिन सॉक्स वगैरह पहन लिए हैं ताकि ठंडी ना लगे। इनर पहन लिए हैं, कैप लगा लिए हैं ताकि ठंडी ना लगे रात में। और यहाँ पर हमको पढ़ना है, उधर सारी बुक्स वगैरह हैं तो उधर तो रहने देते हैं, उधर कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैलेंज को। गाइज, इस समय रात के 12 बजने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको हम टाइमिंग दिखा दे रहे हैं अच्छे से। देख सकते हैं 11:48 हो गया, मतलब कि 12 बजने वाले हैं। और हमने बहुत यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से लेक्चर 2 से स्टार्ट किए थे। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज राइट किए हैं, प्लस हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है। लगभग दोनों मिला के 3 घंटे के आसपास का लेक्चर था। तो राइट करने में और लेक्चर देखने में, समझने में टाइम तो लगता ही है। अब बच गए हैं 12। अब चलिए पानी नहीं पी कर आते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को। आप ब्लॉग में बने रहिएगा। चलो रे भैया, कंटिन्यू 3 घंटे बैठे थे, 9 बजे बैठे थे और 12 बज गया। तो हमने सोचा कि चलिए थोड़ा पानी नहीं पी कर आते हैं और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को। पिताजी जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर, देखते हैं हम क्या कर लेते हैं। ये जो पीछे देख रहे हैं ना, सारी बुक्स सब इंजीनियरिंग रिलेटेड बुक्स हैं। और इतना स्टडी करते हैं हम लोग, सफलता नहीं मिलती है तो बहुत, अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। ऐसी बात नहीं है, कई बार मिलते मिलते रह गई लेकिन मिली नहीं, लेकिन लेकर तो मानना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। खुद के दुश्मन खुद हैं। टाइमिंग देख सकते हैं, 11:50 हो गया। अब चलिए पानी नहीं पीकर आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को। गाइस, यहाँ पर हम पानी लेकर आ गए हैं गर्म करके, देख सकते हैं गर्मा गर्म पानी है और ये हीट है जो वाटर है, गर्म है। और टाइम देख सकते हैं, 10 मिनट हो गया हमको लगभग। 50 पे गए थे, मतलब 11:50 पे गए थे, 12 बज गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और
चलिए ये देखिए हम रखे हैं सारा सिस्टम यहाँ पर नीचे, सभी इसमें जो जो रिक्वायरमेंट होती है ना सभी सभी चीज़ें हम यहाँ रखे रहते हैं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। सो पहले क्या रखते हैं फिर उसके बाद ये है गुड़, उसको खाते हैं। आजा भाई देखिए स्टडी करनी है तो जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं रखे रहते हैं, रात में किसको डिस्टर्ब करें, इसलिए अपने पास ही रख लिए लेते हैं हम। हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क इतना हार्ड वर्क करना है कि भगवान कहे कि पहले यार इसको दो। देखिए हमको ना थोड़ा सा साइनस प्रॉब्लम हो गई है तो जिसके वजह से गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है, कब सर्दी हो जाएगी कोई गारंटी नहीं इसमें। जब हम लोग लॉज में रहते थे, हॉस्टल जिसको आप जानते ही होंगे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, खाना खाते समय बीच में जैसे 4-5 लोग हैं तो बीच में जैसे कुछ है मग है या फिर लोटा उटा है या ग्लास है तो एक ही ग्लास होती थी उसी से सभी लोगों को पानी पीना, तो हम लोग ऐसे ऊपर से पीते थे। और वही आदत हो गई है, जब से ऐसे पानी ना पीजिए ना ऐसा लगता है कि प्यास ही नहीं बुझी, मजा ही नहीं आया। तो ताजा फील होने लगा। सच कहिए ना तो एक विद्यार्थी को जो कि हार्ड वर्क जिसको मतलब हार्ड स्टडी करनी है, रात भर वाली स्टडी जिसको बोलते हैं, जो इस समय हम कर रहे हैं, इस प्रकार की स्टडी में आप गर्म पानी या ल्यूक वार्म वाटर ही पियेंगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल आता है, क्योंकि इसमें जो आपकी बॉडी होती है बैठे बैठे सब बैठे थे 3 घंटे तो थोड़ा सा फटीग आ जाती है ना, थकान आ जाती है, आपकी जो मसल्स हैं उसमें थकान आने लगती है बैठे बैठे, ये होता है कि थोड़ा आराम कर ले। तो जब आप गर्म पानी पीते हैं ना तो गर्म पानी पीने के बाद वो जो आपकी मसल्स होती है जिसमें फटीग आई होती है उनको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, बूस्टअप हो जाती है, थोड़ा सा उनके अंदर ना एक तरह से वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर से आप फील करेंगे रिलैक्स तरोताज़ा टाइप। तो खैर हमको तो साइनस प्रॉब्लम है तो पीना ही होता है। ठीक है चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए, ज्ञान में ज़्यादा बांटते हुए फिर से अपनी स्टडी की तरफ लौटते हैं। ये है PLC स्काडा, इस समय हम PLC ही पढ़ रहे हैं और देखते हैं इसको ख़त्म करके भी दूसरा कुछ पढ़ना है। वहाँ देख रहे हैं टाइम टेबल बनाए थे हम उसको फॉलो करने के लिए, बट हमारी शुरू से ही आदत रही है कि हम कभी टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। मतलब पढ़ते हैं तो 10-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं, नहीं तो फिर 2 घंटा सुबह पढ़ ले 3 घंटा शाम को, ऐसे हो ही नहीं पाता हमसे। सो हमने कहा कि जब ऐसे नहीं हो पाएगा तो फालतू टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, उसको हटाओ, एक चैलेंज लेके पढ़ाई करो अब 12 घंटे डेली। तो आज से स्टार्ट ही कर दिए हैं, आज रात में मतलब 9 बजे बैठना है, सुबह 9 बजे तक स्टडी करना है। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है और आप अगर मोटिवेट करेंगे वीडियो को थोड़ा शेयर करिए भाई, अरे यार शेयर करिए ना वीडियो को, क्या यार ऐसे ही मतलब रह जाएंगे हम, कितनी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा आप भी तो हेल्प करिए, इसको शेयर करेंगे तब ना मोटिवेट होंगे हम भी। देखते हैं भगवान क्या करते हैं। चलिए फिर से स्टडी को स्टार्ट करते हैं, कैमरा फिक्स करते हैं।
थोड़ा सा ना कैमरा फिक्स करने के से पहले थोड़ा सा भाई जैसा है ना कि हमको लग गई है एक नंबर बहुत तेज, क्योंकि गर्म पानी वगैरह पिए थे आपके, आपको दिखाई थे वीडियो में। तो अब चलिए बाहर थोड़ा सा एक नंबर वगैरह करके आते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं यार। पता चला कि ज्वाइनिंग लेने के चक्कर में अथरी पथरी हो गई तो भी दिक्कत, सो बहुत ज़रूरी है। चलिए एक नंबर करके आते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं कितना अंधेरा है। लाइट जल रही है वहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा, इसमें रात के 1:30-2:30 के आसपास टाइम हो रहा है। हर तरफ अंधेरा अंधेरा है, ठीक है। यहाँ ये लाइट जल रही है, इसके वजह से थोड़ा सा प्रकाश है। यहाँ पे मच्छर बहुत लगने लगा, चलिए मोर्टिन पहले जला लेते हैं। गाइस इस समय जो टाइमिंग है ना आपको दिखा देते हैं, 3:30 बज गया है टाइमिंग, आप देख सकते हैं 3:25 हो गया है, और लगभग हम बैठे हुए यहाँ पर चेयर पर 5-6 घंटा से ऊपर ही हो गया। तो अब थोड़ा सही देख रहा ना बेड, इस पर चलेंगे हम, अपनी पीठ को सीधी करेंगे, मतलब बैठे बैठे एकदम अकड़ गया है। 5-10 मिनट जल्दी है, थोड़ा सा पीठ सीधा कर लें। थोड़ा रेस्ट कर लेते 10-5 मिनट, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे की स्टडी। और बस एकदम बैठे बैठे एकदम लग रहा है कि इसमें पेन होने लगा, पेन ना हो इसकी वजह से थोड़ा सा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 10-5 मिनट। अरे आजा भाई, क्या मस्त लग रहा है, खोवा जैसा लग रहा है, रसगुल्ला खा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। आवाज आ रही है सब, ठीक है। टाइमिंग हो गई 3:26, और तो अगर 10 मिनट ऐड कर दें उसमें 3:36 हो जाएगा। चलिए 3:36-4:00 तक हम फिर से स्टडी करने बैठ जाएंगे।
9 o'clock का चैलेंज है तो 9 o'clock ही सही, सुबह 9 बजे के बाद ही सोएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जस्ट रिलैक्स के लिए 10-15 मिनट, 5 मिनट लगभग, 10-15 मतलब, अरे वही मान लीजिए 10-15 मिनट, अपने आप को डरा के रखना है, अपने से अपने आप को डरा के रखना है, जिससे कि नींद गायब हो जाए, स्टडी करने मन लगे और सक्सेस हासिल करनी है। ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट बाद। गाइस हमको लेट हो गया 15 से 20 मिनट, बहुत वेस्ट कर लिया, चलते हैं, अपना इतिहास लिखना है ना, कहानी लिखनी है तो संघर्ष तो करना ही होगा, बहुत हो गया, गाना खाना सुन लिए। अच्छा भाई टाइम देख सकते हैं 3:48, अच्छे से यहाँ देखिए 3:48 है, चलते हैं थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं और काढ़ा बना कर पीते हैं जिससे कि सर्दी ना हो, तो चाय और पानी पी करके फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा बनाते होते हैं। गाइस यहाँ पे हमारी जो काढ़ा है बन गया, यहाँ देख सकते हैं और टाइमिंग भी देख सकते हैं, 4:13 हो गया, 4:15 के आसपास हो गया। सो अब फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी को, क्योंकि आधा घंटा लगभग हमारा वेस्ट हो गया काढ़ा वाढ़ा, अब ये भी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये भी नहीं करेंगे हम तो फिर हेल्थ ख़राब हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी तो फिर बिल्कुल पढ़ाई रुक जाएगी, सो इसीलिए ज़रूरी है आधा घंटा इधर उधर कर लिए, थोड़ा सा कॉफ़ी कॉफ़ी नहीं मतलब काढ़ा वाढ़ा बना लिए, तो थोड़ा सा नींद भी अच्छे से ओपन हो गई और साथ में रिलैक्स भी हो गए और इसको पीने के बाद हमको सर्दी भी नहीं होगी तो हेल्थ भी सही रहेगी। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग जो है 4:43 हो गया है, मतलब कि 5 बजने वाला है और अपना नींद बहुत तेज आ रही है हमको, और कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम टायर्ड हो गए, नहीं, बट हमको नींद आ रही है थोड़ा सा, तो उस नींद की वजह से ना थोड़ा सा हमको यहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ये बहुत ही PLC जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो PLC में प्रोग्रामिंग वगैरह से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, तो जब तक फ्रेश माइंड नहीं रहेगा ना इसमें इशू होने लगती है, समझ नहीं आता है। अगर कोई सब्जेक्ट होता जैसे आपका हिस्ट्री होता या फिर अपना टेक्निकल में ही कोई ऐसा सब्जेक्ट होता जो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें माइंड समझना नहीं होता तो आदमी खींच देते हम 3-4 घंटा, 12 घंटा कंप्लीट करना है जो हमारा चैलेंज है तो 3-4 घंटा खींच देते हम, लेकिन इसमें देखिए एक बात और है ना कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये नहीं कि चैलेंज दिखाने के चक्कर में हम फालतू टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस हो जाएगा, तो अभी हम सोच रहे हैं कि 2-3 घंटा सो लें फिर जग करके अपना जो 12 आवर्स का चैलेंज है उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो 5 बज गया है नियर अबाउट, हम सो लेते हैं और उसके बाद 8 बजे तक जग जाएंगे। सब हटा देते हैं, चलिए सो लेते हैं, टाइम यहाँ कर देते हैं फटाफट, ठीक है सोते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक बार देखिए सुबह के 9:27 हो रहा है, अभी 9 o'clock पे हम जगे हैं और वाशरूम और ब्रश वॉश करके रेडी हो गए हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि अब देख सकते हैं हम बिस्तर वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी जस्ट जगह है, तो हमने चैलेंज लिया था ना 12 आवर्स का, तो 12 आवर्स में हमने नियर अबाउट 8 आवर्स की स्टडी तो कर ली थी और फिर रात में आप अगर वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे क्यों स्टडी रुक गई थी, सो अब उसको कंटिन्यू करते हैं 12 आवर्स कंप्लीट करने के बाद कुछ करते हैं, तो जो स्टडी हम 9 o'clock तक कंप्लीट करने वाले थे उसको हम 1 o'clock तक नियर अबाउट कंप्लीट करेंगे, ठीक है चलिए स्टडी कंप्लीट करते हैं, सारा अरेंजमेंट सही करते हैं। तो गाइस यहाँ पर टाइमिंग आप देख सकते हैं 11:53 हो गया, मतलब 12 बजने वाले हैं और बस आज इतना ही रखते हैं स्टडी को,
लेकिन कल से ना जो हम सो गए थे सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, वो हम सोएंगे नहीं। उस टाइम अगर हमको लगेगा कि अब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है या फिर माइंड सेचुरेट हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय हम कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लेंगे जो कि ईजी रहेगा, जैसे हिस्ट्री होगा तो अपना रटना स्टार्ट कर दीजिए उठाकर। तो सोएंगे नहीं कल से, कल से 9 to 9 ही पढ़ना है। आज फर्स्ट डे था, चलो ऊपर नीचे हो गया, लेकिन हाँ 12 आवर्स का चैलेंज नियर अबाउट हमने कंप्लीट कर लिया है।